हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरव्यू जाना, कौन सी साइट्स कहाँ पाई जाती है, किस लोकेशन पे पाई जाती है, कौन उसको डिस्कवर कर रहा है, उसका एक्सटेंट कितना है, कहाँ से कहाँ तक ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ वो फैली हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब जाना। अब हम वन बाई वन साइट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के लेक्चर में हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो साइट्स को डिस्कस करेंगे। इन दो साइट्स के बारे में कौन सी चीज़ यहाँ पर मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली साइट्स हड़प्पा। लास्ट लेक्चर में पूरा बताती है हड़प्पा कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। हड़प्पा 5000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ था, मतलब इसका एक्सटेंड जो था 5000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ हड़प्पा पूरा था। इसमें दो चीज़ें, एक तो वेस्ट में अर्बन था, ईस्ट में रूरल था, मतलब वेस्ट में शहरीकरण पाया जाता था और रूरल यानी कि थोड़े पिछले तबके के लोग शहरी से वो ईस्ट साइड में रहते थे। मतलब इस तरीके का एक यूँ होता था, किटाडल हुआ करता था, किटाडल यू नो गढ़ ये हुआ करता था। तो ये वेस्ट साइड थी, ये ईस्ट साइड थी। वेस्ट साइड में अर्बन पीपल्स रहा करते थे और ईस्ट साइड में रूरल रहा करते थे, ग्रामीण रहा कर सकते थे। ठीक है, अब सील्स के बारे में देखेंगे। सील्स पाई जाती थी, ट्रेड करने में सील्स का यूज होता था। 852 सील्स यानी कि 852 सील्स हैव बीन फाउंड यहाँ पर मिली। पूरे हड़प्पा साइट्स पर 852 सील्स पाई गई। एक्स ऑफ कॉपर, तांबा, कॉपर कहते हैं तांबा, तांबे का यहाँ पर एक्स मिला यानी कि कुल्हाड़ी मिली। वैनिटी बॉक्स, वैनिटी बॉक्स मतलब जो एक मेकअप बॉक्स नहीं होता श्रृंगार करने के लिए लड़की वगैरह यूज़ करती हैं, वो यहाँ पर मिला। और आईलाइनर मिला, आँखों में लगाने वाला आईलाइनर, वैनिटी बॉक्स मिल गया, आईलाइनर मिला। लूडो एंड चेस एविडेंसेस, यहाँ पर लोग लूडो एंड चेस खेला करते थे, इसके भी एविडेंसेस हड़प्पा में मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर टू ग्रेवयार्ड्स मिले, टू स्पेशल ग्रेवयार्ड्स जो थोड़े अलग तरीके के हैं, जैसे कि एच सिमेट्री और R37। R37 अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि R37 ग्रेवयार्ड कहाँ मिला और सिग्निफिकेंस क्या है, इसको R37 क्यों कहा जाता है। R37 ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा में एक जगह 57 ग्रेव्स मिली, मतलब 57 कब्रें मिली। उन 57 ग्रेव्स के अंदर 5 ग्रेव्स ऐसी थी जो कि डैमेज थी, टूटी फूटी थी, तो उसको तो नेगलेक्ट कर दिया। लेफ्ट बनी 57 - 5, 52 बची ग्रेव्स। 52 ग्रेव्स में स्केल्टन जो ढांचा पाया गया वो ओनली 37 में पाया गया, इसलिए इसको R37 के नाम से जाना जाता है। मतलब R37 सिमेट्री और एच सिमेट्री कहाँ मिल रही है, हड़प्पा में स्पेशल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, रेड सैंड स्टोन मिल टॉर्सो, रेड सैंड स्टोन का मिल टॉर्सो ह्यूमन फिग्राइन मिल रहा है, यानी कि ह्यूमन का बना, मतलब एक तरीके से धड़ होता है ना इंसान का, उस तरीके से धड़ मिल रहा है। टॉर्सो कहते हैं धड़ को। अब इस चीज़ को, रेड सैंड स्टोन मिल टॉर्सो को डिस्कस करेंगे किस चीज़ में, यह जो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करा जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। मदर गॉडेस मिल रही है, मदर गॉडेस की फिगर जिसकी पूजा करी जाती थी एक तरीके से। टू रो ऑफ 6 ग्रेनरीज विद बिग प्लेटफॉर्म, दो रो एक तरीके से मिल रही है जिसमें बड़े अन्न भंडारण नहीं होते थे वो बने हुए थे, एक तरीके से प्लेटफॉर्म बने हुए थे बड़े बड़े, और टू रो थी जिसमें ग्रेनरीज थी भंडारण थे। तो ये थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश करी हड़प्पा के बारे में। दूसरी साइट यहाँ पे आ रही है इम्पोर्टेंट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जैसे कि 852 सील्स मिल रही हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है सील्स कहाँ पाई गई, वो पाई गई 1292 यानी कि 1292 सील्स मोहनजोदड़ो में पाई गई, हाइएस्ट अब तक की सबसे ज़्यादा यहाँ पाई गई। जैसे कि यहाँ पर था वेस्ट में अर्बन था और ईस्ट में रूरल था, यहाँ पर अर्बन और रूरल के बीच में एक लेक हुआ करती थी इस तरीके से। तो इस साइड में वेस्ट साइड और ईस्ट साइड इधर का
ये अर्बन और रूरल हो जाता था, इसके बीच में एक लेक आ गई, लेक ने अर्बन और रूरल को यानी कि शहरीकरण और ग्रामीण को डिवाइड कर दिया। मैक्स सिमम ब्रास कॉमोडिटी, कॉमोडिटी हैव बीन फाउंड यानी कि ब्रास की सबसे ज्यादा कॉमोडिटी यहीं पाई गई। कॉमोडिटी मतलब इस तरीके के गुड्स बने हुए, कुछ हथौड़ी लोहे का इसका ब्रास का कुछ भी बना हुआ, सबसे ज्यादा यहीं पाए गए मोहनजोदड़ो में। जिग्रास प्लेटफॉर्म ऑफ जिग्रास प्लेटफॉर्म फाउंड व्हील टेम्पल, एक तरीके से ऐसे टेम्पल हुआ करते थे यहाँ पर जो व्हील्स पर चले करते थे। रथ टाइप मैकी एंड आर्कोलॉजिस्ट फाउंड काउंसिल हाउस, मैकी जो एक आर्कोलॉजिस्ट हुआ करता था उसने यहाँ पर मोहनजोदड़ो में काउंसिल हाउस यानी कि परिषदीय घर फाउंड करा और उसका साइज था 90x90 फीट का। ग्रेट ग्रैंडरी पाई गई 243x150 यानी कि 243x150 फीट की एक ग्रेट ग्रैंडरी पाई गई। अगर पूछता कि ग्रेट ग्रैंडरी कहाँ पाई गई, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्न भंडारण पाया गया ग्रेट ग्रैंडरी। और दूसरी चीज़ ग्रेट बाथ भी पाया गया, ग्रेट बाथ मतलब एक ऐसा स्विमिंग पूल जो बहुत बड़ा था, इससे बड़ा स्विमिंग पूल किसी भी साइट पर नहीं पाया गया, इसलिए कहते हैं ग्रेट बाथ। इतने साइज का 11.88 × 7.86 × 2.43 इस साइज का स्विमिंग पूल यहाँ पर पाया गया। और हैविंग 9 स्टेयर्स एट नॉर्थ एंड साउथ साइड अलोंग विद 8 बाथरूम्स नियर बाय, और इसमें जैसे कि नॉर्थ साउथ यहाँ पर 9 स्टेयर्स थी उतरने के लिए, इसमें इधर उतरने के लिए 9 स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी, और इसके मतलब आसपास यहीं कहीं 8 बाथरूम भी बने हुए थे जैसे स्विमिंग पूल में होता है ना उसके बाद नहाने के लिए, उस तरीके से यहाँ पर 8 बाथरूम बने हुए थे। पशुपति सील हैव बीन फाउंड, पशुपति की सील पाई गई। जॉन मार्शल कॉल्ड दिस सील इस पशुपति शिव महादेव, कि जॉन मार्शल जो कि हिस्टोरियन था उसने कहा कि ये जो सील मिल रही है ये पशुपति शिव महादेव की सील है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स उसके दिमाग में क्या आया, उसने अपने उसको चेंज करते हुए दोबारा अपना बयान दिया कि ये सील जो है ऋषभ देव महाराज की है। ऋषभ देव महाराज एक तीर्थंकर हुआ करता था जैन का, उसकी सील है। तो ये पशु यहाँ पर जॉन मार्शल ने अपना स्टेटमेंट चेंज करते हुए कहा कि ये ऋषभ देव महाराज की सील है। राना गुंडई प्लेस फाउंड एलिफेंट स्केल्टन एंड हॉर्स टीथ डेंचर, राना गुंडई प्लेस जो मोहनजोदड़ो के अंदर एक प्लेस है, इस नामक जगह है राना गुंडई, तो यहाँ पर एलिफेंट का स्केलेटन पाया गया यानी कि हाथी का ढांचा पाया गया और हॉर्स का टीथ का डेंचर यानी कि पूरा का पूरा जबड़ा घोड़े के दांत का यहाँ पर मिल रहा है। झूकर जांकर कल्चर फाउंड, अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में कौन सा कल्चर पाया जाता था, झूकर झांकर, झूकर झांकर कल्चर मोहनजोदड़ो में पाया जाता था। स्केटर्ड स्केल्टन फाउंड मतलब कुछ इस तरीके के स्केल्टन पाए गए जो कि तितर बितर फैले हुए थे, मतलब एक तरीके से ऐसा जैसे नरसंहार हुआ हो या कोई मैसकर हुआ हो, उस तरीके के एविडेंसेस पाए जा रहे हैं जैसे कोई लड़ाई हुई हो और यहाँ पर हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। बियर्डेड प्रीस्ट, एक मूर्ति पाई गई जिस पे दाढ़ी वाली मतलब बियर्डेड इस तरीके से प्रीस्ट पुजारी की एक मूर्ति पाई गई, जो कि एक टॉपिक है ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक, उसको डिस्कस हम डिटेल में करेंगे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में। तो ये तो अभी यहाँ पता होनी चाहिए कौन सी पाई गई, बस बियर्डेड प्रीस्ट पाई गई। फेमस ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रोंज की एक फेमस स्टैचू है डांसिंग गर्ल की, मतलब एक ऐसी स्टैचू जिसमें एक गर्ल डांस कर रही है, कैसा स्टैचू है ब्रोंज का जो कि फेमस है, वो पाया गया कहाँ, मोहनजोदड़ो में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाई गई, तो इतना सफिशियंट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है और आगे और साइट्स को भी डिस्कस करेंगे 1x1। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।